वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पैसा कितना लगा। दिस इज द व्लॉगिंग सेटअप ऑफ माइन। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय YouTube चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि चीपेस्ट व्लॉगिंग सेटअप हम लोग कैसे मतलब चीपेस्ट बना सकते हैं, व्लॉगिंग सेटअप कितने चीप में जा सकते हैं। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आपको ब्लॉगिंग करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? DSLR? नहीं, आपको बस चाहिए एक स्मार्टफोन जिसमें आप आराम से 1080p में वीडियो बना सकते हो। और ब्लॉगिंग के लिए तो बस फ़ोन यूज़ करना काफ़ी है, क्योंकि हल्का है कंपेयर टू DSLR, काफ़ी हल्का है फ़ोन, तो आप आराम से ब्लॉगिंग कर सकते हो फ़ोन में। ये आजकल फ़ोन में भी बहुत हाई क्वालिटी की वीडियो बन सकती है। अब हम लोग बात करेंगे अपने फ़ोन को किस तरह से आप सबसे बेस्ट सेटअप बना सकते हैं। आजकल के जो फ़ोन हैं उनमें मतलब नॉइज कैंसलेशन भी आ चुका है, यानी कि आपको कोई भी एक्सटर्नल माइक्रोफोन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वो इतना भी अच्छा नहीं है नॉइज कैंसलेशन, तो आप चाहो तो इस टाइप का कुछ माइक यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये जो मेरा पड़ा था ये 200 रुपये का पड़ा था, लेकिन ये इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है। तो इसके अदरदान एक आता है बोया का माइक्रोफोन जो कि अराउंड 800 to 1000 रुपीस के अंदर आ जाता है, उसको यूज कर सकते हो। इसको भी आप यूज कर सकते हो इनिशियल टाइम में। और अभी मैं अपना फोन में यूज कर रहा हूँ बोया का BY MM1। सो गाइज, दिस इज द व्लॉगिंग सेटअप ऑफ माइन। तो अभी मैं यूज कर रहा हूँ बोया का BY MM1 और इसमें डेड कैट कनेक्टेड है। सो गाइज, अब से पहले जो कुछ भी शूट हो रहा था तो उसमें मैं ये अपना बोया का माइक्रोफोन यूज़ कर रहा था, और अब से मैं अपने नोट 6 प्रो के बिल्कुल इंटरनल माइक का यूज़ कर रहा हूँ। और आई होप कि ऑडियो इतना भी बुरा नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा बुरा होगा तो वीडियो ख़राब हो जाएगा। वीडियो में ऑडियो का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि वीडियो का। तो यू शुड यूज़ माइक्रोफोन, बिकॉज नॉइज़ आएगा तो आपका पूरा वीडियो ख़राब हो सकता है। और ऐसा होने पर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, और तब बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है, क्योंकि आपने वो पूरी मेहनत करके वीडियो बनाया होगा, लेकिन बस छोटी सी गलती एक माइक्रोफोन यूज ना करने की वजह से वो पूरा का पूरा वीडियो खराब हो सकता है। तो यू बेटर यूज अ माइक्रोफोन। वेल, अभी अगर हवा ज्यादा नहीं है तो आप अपने फोन में भी कर सकते हो बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरीके से फोन में वीडियो हो जाएगा। तो ये है मेरा पूरा वो सेटअप, और यहाँ पे मैं अपना फोन माउंट कर लेता हूँ। तो ये जो मेरा ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड मुझे पड़ा था अराउंड 450 रुपीज, मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। दिस इज द 10 इंच ट्राइपॉड। और मैं अभी जो सारे भी प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप चाहते हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये है बोया का BY MM1 का शॉटगन माइक्रोफोन, और इसमें काफी अच्छी वाली ऑडियो आती है। ये ओनली अराउंड 2000 के आसपास आपको मिल जाएगा आराम से। और ये उसका डेड कैट, इसी वजह से आपको ज्यादा विंड नॉइज नहीं आएगा, तो ये वीडियो की क्लैरिटी बहुत बढ़ा देता है। तो अभी देखते हैं इस वाले माइक्रोफोन को। अभी मैं इस वाले माइक्रोफोन को अपने कैमरे में कनेक्ट करके आपको ऑडियो सुनाता हूँ, और आप खुद देख लेना कि ऑडियो इसमें किस आता है। तो अभी ये जो ऑडियो है ये बिना माइक्रोफोन के है, तो अभी आपको ऑडियो सुनाता हूँ माइक्रोफोन लगा के। सो गाइज, ये अभी इस माइक्रोफोन से ऑडियो आ रहा है, और आपको पता चल रहा है ऑडियो क्वालिटी कैसी है। और अभी अगर हम लोग यूजुअली इसको कहाँ कॉलर में मार लगाते हैं, मेरे पास तो कॉलर नहीं, मैं इस अपने ड्रेस शर्ट में ही लगा लेता हूँ इसको। सो यहाँ पे मैंने लगा लिया है, और आई वॉइस तो आपको आ ही रहा होगा, और नॉइज भी आपको आ सकता है, लेकिन अगर आप चाहो तो आपको थोड़े बहुत पोस्ट प्रोडक्शन में मतलब कंप्यूटर में एडिट करके आप नॉइज आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि है आपके फोन में आने वाला माइक्रोफोन, इसको भी आप यूज कर सकते हो ऑडियो के लिए। तो अभी आपको ये इसको यूज करके दिखाता हूँ। सो गाइज, ये जो मेरा माइक्रोफोन है ये सैमसंग का इंटरनल सैमसंग के बॉक्स में आने वाला माइक्रोफोन है, और ये सबसे बेसिक माइक्रोफोन आपको आराम से किसी भी सैमसंग के साथ मिल जाएगा। हाँ, इसमें एक दिक्कत है, इसमें विंड नॉइज काफ़ी ज़्यादा आता है, यानी कि अगर आप मैं भी यहाँ पे अगर मुंह के ज़्यादा करीब ले आऊँगा तो आपको हवा की फड़फड़ की आवाज़ आ रही होगी।
तो यू कैन यूज दैट, लेकिन हवा, अगर हवा ज्यादा होगा तो ये इसका भी कोई काम नहीं होता है। So guys, now I'll be using this shotgun microphone from Boya और without the dead cat, फिर आपको dead cat लगा के सुनाता हूँ ऑडियो के साथ। और आपको आ रहा होगा आवाज, लेकिन इसमें आई डोंट नो wind noise आ रहा होगा कि नहीं, क्योंकि ज्यादा हवा नहीं है घर के अंदर, बस एक फैन लगा हुआ है तो फैन की आवाज आ रही होगी और बाहर की जो सारे बसेस जा रहे हैं उनकी आवाज आ रही होगी। तो ये है बिना डेड कैट के, तो अभी आपको डेड कैट लगा के सुनाता हूँ। हाँ, तो ये है डेड कैट लगाने के बाद। डेड कैट लगाने के बाद क्या है, मैं अगर फूंक भी मारूंगा तो ज्यादा, ये देखो मैंने अभी फूंक मारा, आपको ऑडियो आ रहा होगा, डेड कैट लगा के फूंक मारता हूँ तो इतना ज्यादा नॉइज नहीं आ रहा होगा। तो इसको अभी ऐसे लगाने लगाए रखते हैं, क्योंकि अगर इसको मैं पीछे से बोलूंगा तो इतना ज्यादा आवाज नहीं आएगा, और अगर इसको अपनी तरफ मुंह कर दूंगा इसका तो आपको मेरी आवाज अच्छी तरीके से आ रही है। तो आप आराम से फोन में ऐसे ही वीडियो बना सकते हो। इस तरीके के फोन होल्डर का आप खरीद लेना, ये अराउंड 150 से 200 रुपए के अंदर आराम से मिल जाएगा आपको। इसको मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं भी है तो भी आप इसको बस फोन पे पीछे लगा देना। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह फोन के पीछे आपको बस लगाना है इसको। फिर क्या होता है ना, इससे क्या होगा ना, आपको एक मतलब एक अच्छी तरीके से ग्रिप मिल जाएगा फोन को होल्ड करने में। लेकिन अगर आपको इसके बिना फोन को पकड़ते हो तो चांसेस है कि फोन स्लिप हो सकता है आपके हाथ से। इसको लगा देने से आप आराम से इसको मतलब होल्ड कर सकते हो, जिसके गिरने का कोई डर नहीं रहेगा। तो गाइस, अभी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, पैसा कितना लगेगा। तो हम लोग फ़ोन काउंट नहीं करेंगे क्योंकि फ़ोन आप तो यूजुअली खरीद ही लोगे, कोई ना कोई फ़ोन आपके पास होगा, बहुत अच्छा अच्छे अच्छे वीडियो बना सकते हो, ठीक है। तो फ़ोन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, फ़ोन के अलावा बाकी सारे चीज़ों को हम लोग काउंट करेंगे। तो मैं अपने सेटअप के बारे में पहले बता देता हूँ। तो मैंने जो ट्राइपॉड यूज़ किया वो अराउंड 450 रुपीज़ का था, एंड देन उसके बाद जो मैंने फ़ोन ब्रैकेट यूज़ किया था, मतलब फ़ोन होल्डर जो यूज़ किया था, वो था अराउंड 150 रुपीज़ का, ठीक है। तो फिर मैंने जो माइक्रोफोन बोया का यूज़ किया है, बोया BYMM1, वो अराउंड एवरेज ले लो 1800, ठीक है, 450 + 150 600, फिर 1800 तो कितना होगा, 2400, तो टोटल हो गया 2400। अगर आप चाहते हो अपने बजट में लाने के लिए, तो आप चाहो तो इसी टाइप का एक माइक्रोफोन ले सकते हो। अगर आप पोस्ट प्रोडक्शन में ऑडियो को एडिट कर सकते हो तो आई विल बी रिकमेंडिंग कि आप इससे चले जाओ। और अगर आप इसमें भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो सबसे पहली बात, अगर हो सके तो एक ट्राइपॉड ले लो और एक मोबाइल होल्डर ले लो, एनफ है, क्योंकि फ़ोन में तो उसका इंटरनल माइक्रोफोन काफ़ी अच्छा आता है। तो आप एक दो महीने इंतज़ार कर सकते हो, उसके बाद एक अच्छी वाली इस टाइप का ले सकते हो, या फिर कोई इससे ज़्यादा पैसे वाला एक अच्छा वाला माइक्रोफोन ले सकते हो। और फॉर द टेम्पररी टाइम आप चाहो तो अपना ये वाला जो हेडफोन ईयरफोन यूज़ करते हो उसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगले व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।